और चलेंगे हजारीबाग। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग सदर विधानसभा की स्थिति काफी रोचक बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हजारीबाग विधानसभा सीट से 38 लोगों ने आवेदन दिया है जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में ये जो सीट है हजारीबाग सदर विधानसभा, ये अपने आप में दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव और उनकी बहन अनुप्रिया साव ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। उसके बाद और स्थिति कितनी रोचक हो गई है ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक हजारीबाग से जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। शशांक, हजारीबाग विधानसभा सदर विधानसभा इस बार एक हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी को आवेदन दिए गए हैं और अब जो दो नाम चर्चा में है, अनुप्रिया साव और योगेंद्र साव, जो अंबा प्रसाद के एक पिता हैं और एक बहन है, कितनी दिलचस्प वहां की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? देखिए नवीन, कांग्रेस कमेटी ने 38 नाम सदर विधानसभा सीट से स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे हैं, जिन्होंने अपने बायोडाटा हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में जमा किए हैं। कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बायोडाटा मांगा था कि वैसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना बायोडाटा दें। तो ऐसे में 38 लोगों ने सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए अपना आवेदन दिया है। इसमें काफी बड़े बड़े नाम है, लेकिन जो दो नाम की चर्चा हो रही है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एक नाम योगेंद्र साव का है और एक नाम अनुप्रिया साव का है। जो योगेंद्र साव है वो पिताजी हैं अनुप्रिया साव की, अनुप्रिया साव उनकी बेटी है, यानी दोनों ने इस सीट से अपना रिज्यूम जमा किया, अपना बायोडाटा जमा किया है चुनाव लड़ने की। तो ऐसे में यह सीट काफी हॉट होती हुई दिखाई दे रही है, जहां अगर कहा जाए तो इस सीट पर प्रतिस्पर्धा आपस में पिताजी और बेटी में ही है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दूं, योगेंद्र साव काफी कांग्रेस के कद्दावर नेता है, कांग्रेस के पिछले सरकार में वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस में अच्छा रुतबा रखते हैं। तो वहीं अभी उनकी एक बेटी अंबा प्रसाद जो है बड़का गांव से विधायक है, उनकी माता उनकी जो पत्नी है निर्मला देवी वो भी बड़का गांव से विधायक रह चुकी है। तो ऐसे में अब ये दो नाम जो सदर विधानसभा से हैं वो काफी चर्चा में, हालांकि इसके अलावा भी कई कद्दावर नेताओं ने अपना आवेदन दिया है, जिसमें कद्दावर नेता मुन्ना सिंह है, पिछले बार के सेकेंड स्थान पर रहने वाले, दूसरे स्थान पर रहने वाले आरसी मेहता है, विनोद कुशवाहा है, लेकिन चर्चा इन दो नामों की है क्योंकि बाप और बेटी दोनों ने ही आवेदन दिया है। बिल्कुल, चर्चा इन दो नामों की है शशांक। और देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अंबा प्रसाद का जो पूरा परिवार रहा है वो एक राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है शशांक, ऐसे में अगर कांग्रेस की कमेटी इस सीट पर मंथन करती है शशांक, तो संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कई बार उनके परिवार के लोगों ने ही उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में संभावनाएं प्रबल हैं कि उनके परिवार से ही किसी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाए। संभावनाएं काफी प्रबल है नवीन, चूंकि जो योगेंद्र साव है वो काफी कद्दावर नेता है, कांग्रेस में एक अच्छा रुतबा है उनका, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो नाम बड़ा है और उन्होंने भी इस सीट से चुनाव लड़ने की अब इच्छा जाहिर कर दी है। अनुप्रिया साव भी है और आपको बता दो बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद चुनाव में काफी एक्टिव है, तो ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं और एक बार कांग्रेस को तो इन नामों पर विचार करने के लिए इन लोगों ने विवश कर दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में इनका रुतबा काफी है। लेकिन आपको बता दूं, योगेंद्र साव जो है बड़का गांव से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब बड़का गांव से अंबा प्रसाद विधायक है, इसलिए उन्होंने शायद सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि पिछले चुनाव में वह जेल में थे इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए थे और अंबा प्रसाद ने चुनाव लड़ा था, अब वह जेल से बाहर है, लेकिन अंबा प्रसाद का अपना बड़का गांव में अपना स्टैंड है, अपना रुतबा है, इसलिए वह बड़का गांव से चुनाव नहीं लड़ने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं, सदर विधानसभा से अपना आवेदन दे दिया है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि योगेंद्र साव के साथ साथ अनुप्रिया साव ने भी सदर विधानसभा से अपना बायोडाटा जमा कर दिया है, तो ऐसे में लोगों में चर्चा है कि क्या प्रतिस्पर्धा आपस में पिता पुत्री में ही है, दोनों ही सदर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब कांग्रेस कमेटी को यह तय करना है कि वह किसे टिकट देती है, क्योंकि और भी कई बड़े नाम हैं,
तो देखना यह होगा कि कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है और किसे चुनावी मैदान में लेकर आती है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यह सीट जो है हजारीबाग सदर बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से मनीष जायसवाल विधायक हुआ करते थे, अब वह सांसद है, तो ऐसे में अब एक मौका भी कांग्रेस को दिख रहा है, चूंकि मनीष जायसवाल अब सांसद है, तो ऐसे में बीजेपी से भी एक नया चेहरा निकलकर सामने आने वाला है। आपको बता दूं बीजेपी से भी 25 लोगों ने इच्छा जताई है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी यह संख्या बढ़ने की भी संभावना है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस नाम पर अपना मोहर लगाती है और बीजेपी के सामने किसे लेकर आती है। चलिए, तो हजारीबाग का सदर विधानसभा सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस बार यहाँ कांग्रेस के दावेदारों की लाइन लगी हुई है और एक से बढ़कर एक लोग जो हैं वो इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पॉलिटिकल घराने के लोग से लेकर नए लोगों ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। अब ये आलाकमान तय करेगा, कांग्रेस तय की कमेटी चुनाव की तय करेगी कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हजारीबाग सदर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे थे, जहां काफी दिलचस्प स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से इस बार यहां पर जो चुनावी चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहां आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरोसर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।